गाइस, वन प्लस पैड के रिगार्डिंग हमें 8 से 9 महीने पहले काफ़ी सारी रिपोर्ट्स देखने को मिली थी, जहाँ ये 2022 के सेकेंड हाफ में लॉन्च होने वाला था, बट ड्यू टू सम रीज़न इसके लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया गया। बट फाइनली अब जाके इसकी इंडिया में इंटरनल टेस्टिंग शुरू हो गई है, जहाँ ये इसी साल मार्च या अप्रैल मंथ के अराउंड में लॉन्च हो सकता है, जो कि ये वन प्लस की तरफ से एक मिड रेंज सेगमेंट का टैबलेट होने वाला है, जहाँ इस टैबलेट के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें लाइक डिस्प्ले, प्रोसेसर, बैटरी एंड और भी स्पेसिफिकेशन सामने निकल कर आई है, जहाँ आज के इस वीडियो पे हम इसके सारे लीक स्पेक्स और फीचर के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि वन प्लस का ये पहला टैब किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर डिले लेट्स मूव टू द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में। सो डिज़ाइन वाइज तो कुछ क्लियर कट इमेजेस देखने को नहीं मिली है, वो टूमर के अकॉर्डिंग हमें ये ओप्पो पैड एयर के डिज़ाइन के तरह ही सिमिलर देखने को मिल सकता है, जहां इसका फ्रेम मेटल और बैक प्लास्टिक बिल्ड का होगा। वहीं कुछ और उमर के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर हेडफोन जैक स्लॉट देखने को मिल सकता है, जो कि एक टैब के अकॉर्डिंग बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली हमें मिड रेंज टैबलेट के अंदर हेडफोन जैक स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। बात करें अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में, तो रूमर न्यूज़ के रिगार्डिंग हमें इसके अंदर 12.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि डिस्प्ले के मामले में ये Xiaomi Pad 5 से भी बड़ा होगा। वहीं OnePlus Pad के अंदर AMOLED डिस्प्ले का भी यूज किया जा सकता है, जो कि 120 हर्ट्ज के हाईर रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करेगा। जहां डिस्प्ले के रिगार्डिंग डेफिनेटली ये Xiaomi Pad 5 से बेहतर होने वाला है, जहां OnePlus Pad के अंदर आपको 500 nits का पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले रेजोल्यूशन के बारे में, तो ये एक 2K डिस्प्ले होने वाला है, जहां ये टैब आपको 16:10 रेशियो के साथ देखने को मिलेगा। वहीं कंटेंट वॉचिंग के रिगार्डिंग इसे बेस्ट डिस्प्ले भी कहा जा सकता है, जहां AMOLED डिस्प्ले IPS डिस्प्ले के कंपैरिजन में और भी एक्यूरेट और नेचुरल कलर को प्रोवाइड करता है। और क्योंकि हमें OnePlus Pad के अंदर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, तो इसके प्राइस के रिगार्डिंग भी हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, OnePlus के इस टैब के अंदर भी आपको स्टाइलस सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब OnePlus इसके स्टाइलस को ऑफिशियली सेल करेगा ये कन्फर्म नहीं है, बट आप इसके अंदर स्टाइलस के थ्रू काफी सारी क्रिएटिव चीजें कर पाओगे, लाइक ड्रॉइंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, नोट्स राइटिंग एंड और भी शॉर्टकट के रिगार्डिंग चीजें की जा सकती है। जहां Xiaomi Pad 5 की तरह ही आप इसके अंदर एक्सटर्नली कीबोर्ड को भी अटैच कर अपने टैब यूजिंग एक्सपीरियंस को और भी प्रोडक्टिव और इन्हेंस कर पाओगे। दोस्तों, बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, जो कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, जहां काफ़ी सारे लोग जो है परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो रूमर के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है, जो कि ऑन पेपर अराउंड 6.4 लाख के एंटूटू स्कोर के साथ आता है। वहीं हमें इसके नियरली कॉम्पिटिटर Xiaomi Pad 5 के अंदर Qualcomm का ही Snapdragon 860 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि अराउंड 5.6 लाख के एंटूटू स्कोर को परफॉर्म करता है, जहां प्रोसेसर के रिगार्डिंग ऑन पेपर OnePlus Pad थोड़ा आगे निकल जाता है, जो कि परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग आपको OnePlus Pad के अंदर डिसेंट एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जहां बिना किसी लैग और डिले के BGMI और COD जैसे हाई ग्राफिक वाले गेम आसानी से खेल पाओगे, जहां मल्टीटास्किंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके मल्टीमीडिया फीचर के बारे में, तो रूमर के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। अब OnePlus इसके अंदर Dolby Vision और क्वाड स्पीकर सिस्टम को प्रोवाइड करता है या नहीं ये कन्फर्म नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी यही है कि हमें इसके अंदर इन चीजों का भी सपोर्ट देखने को मिल जाए। बात करें इसके कैमरा स्पेक्स के बारे में, तो हमें इसके अंदर डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि LED फ्लैश के साथ आएगा, जो कि प्राइमरी कैमरा 13 megapixel और सेकेंडरी 5 megapixel का होगा। वहीं इसके फ्रंट की बात की जाए, तो इसके फ्रंट में आपको 8 megapixel का सेंसर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बात करें इसके बैटरी और चार्जिंग के बारे में, तो OnePlus के इस टैब के अंदर आपको 10,900 mAh की एक काफी बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है। वहीं कुछ और रूमर के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर 45 watt तक का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है, तो डेफिनेटली OnePlus का ये टैब बैटरी और चार्जिंग के मामले में बेस्ट है। बात करें इसके कुछ और सिलेक्टेड फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.1 और वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जहां ये टैब GPS को भी सपोर्ट करेगा। वहीं हमें Xiaomi Pad 5 के अंदर GPS सपोर्ट देखने को नहीं मिला था। बात करें OnePlus Pad के एक और रूमर न्यूज के बारे में, तो OnePlus का ये टैब डुअल सिम सपोर्ट के साथ आ सकता है, जो कि एक 5G टैब होगा, जहां इसके पहले सिम में 4G और दूसरे सिम में 4G प्लस 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बट इसका कंफर्मेशन हमें इसके लॉन्च के बाद ही पता चलेगा, जहां हमें इसके अंदर Android 12 देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो इसके रिगार्डिंग अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट एक रूमर ये भी है कि हमें इसके अंदर फिजिकल फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है, जहां इन चीजों को ऐड कर देने से डेफिनेटली ये Xiaomi Pad 5 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉस्टली होने वाला है। बट इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बात करें अभी हम इसके रैम और स्टोरेज वेरियंट के बारे में, तो हमें इसके अंदर 4 और 6 GB का रैम और 128 या 256 GB तक का स्टोरेज ऑप्शन दिया जा सकता है, जो कि LPDDR4X रैम और UFS 3.1 के स्टोरेज को सपोर्ट करेगा।
सो दोस्तों अब बात करते हैं OnePlus Pad के एक्सपेक्टेड प्राइसिंग और इंडियन लॉन्च डेट के बारे में। तो OnePlus का ये टैब इस साल के मार्च या अप्रैल मंथ में लॉन्च हो सकता है। जहां बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसका बेस वेरिएंट 35,000 और टॉप वेरिएंट 40 से 45,000 के बीच देखने को मिल सकता है। जहां इसका प्राइसिंग इंक्रीज होने का रीजन इसका एमोलेड डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और 5G सिम कनेक्टिविटी हो सकता है। जहां इसकी एक्चुअल प्राइसिंग हमें इसके लॉन्च के बाद ही पता चलेगी, और अगर ये इसी प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है तो मे बी ये कुछ लोगों को कॉस्टली लगे। बट ओवरऑल आपका क्या ख्याल है OnePlus के स्टेप के रिगार्डिंग, ये आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्यूरीज हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।